वक्त हूँ पैरामेटा में। अब पैरामेटा में जो साथ ही जो पैरामेटा का मेन सीबीडी है उसके साथ एक छोटा सा पार्क है और इसका उन्होंने नाम दिया हुआ है प्रिंस अल्फ्रेड स्क्वायर। तो मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इसके अंदर ट्रीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और पिक्चर फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छी लोकेशन मुझे आज लगी है। मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स भी ली हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी आई हैं। तो अभी साथ साथ मैं इसके साथ व्लॉग बना रहा हूँ। जैसे ये पाम ट्रीज़ हैं, ये कितने अच्छे लग रहे हैं कि इस कैमरे पे की छोटी स्क्रीन में मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो डेफ़िनेटली आपको जब इसको आप बड़ी स्क्रीन पे देख रहे होंगे टीवी पे या मोबाइल में वीडियो को लेटर ऑन, तो ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ठीक है, ये साथ पे ये चर्च है तो इसको मेरे ख्याल में चर्च स्ट्रीट बोलते हैं। और ये इन्होंने मोनूमेंट्स बनाई हुई है वर्ल्ड वाइड की, वर्ल्ड वॉर की। तो ये वर्ल्ड वॉर वन के जो लोग हैं उनके ये नाम हैं कुछ, और यहाँ पे उन्होंने उसके लिए मेमोरीज ये बड़ी वाली बनाई है। ये वाली ये यहाँ पे फूल पड़े हुए हैं क्योंकि अभी रिसेंटली ही वो एनजेक डे गुजरा है जिसमें ये वर्ल्ड वॉर के जो लोग ऑस्ट्रेलिया से जिन लोगों ने वॉर में हिस्सा लिया और जिन्होंने जान दी अपनी वर्ल्ड वॉर में, तो उनके नाम और ये चीज़ें और एनजेक डे भी थे जिनको। तो मैंने सोचा कि आज जो है मेरे ये भी जगह मेरे घर के करीब ही है। मैं यहाँ के जो भी जगह मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे घर से तकरीबन 15-20 मिनट के फासले पे होती हैं। मैं प्रेफरेंस ये रखता हूँ कि मैं उसी जगह पे जाऊँ। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये देखिए ये बहुत खूबसूरत सी एक जगह बनी हुई है। अब पाकिस्तान में अक्सर जो मुग़ल जो है शाही किला और उन जगहों पर इस तरह की चीज़ बनी होती थी, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके दरवाजे टाइप बने हुए हैं। तो इसके अंदर भी कुछ लिखा हुआ है, मैं अभी इसके अंदर पहले मैं गया हूँ। मैंने अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसका मतलब मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है। एम का मतलब पता नहीं है। ये 10 और ये अगर इसको देखें 6 2016 समथिंग मे बी, आई डोंट नो इसका क्या मतलब है। और साथ में भी ये पैरामेटा में जो ट्रैम है वो बन रही है अभी, इसका वो नहीं हुआ हुआ। तो ये सामने एक फूड ट्रक आया हुआ है। ये फूड ट्रक मुझे पहले भी इसका पता है, यहाँ पे जो होमलेस लोग होते हैं उनको खाना देने के लिए फ्री में खाना देने के लिए आता है, हर रोज़ आते होंगे ये पता नहीं वीकेंड पे। मैं शायद पहले भी एक आधा दफ़ा वीकेंड पे आया हूँ तो मैंने ये ट्रक इस तरह देखा है, लोग लाइनअप हुए होते हैं यहाँ पर रात के शाम के टाइम ना। तो यहाँ पर ये एक फ़ौजी की स्टैचू भी लगाया हुआ है जिसने जो है शायद वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया होगा। ये फौजी है एक, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इसका अच्छे से इसका मुजस्मे का टोटल व्यू दूँ। साथ में इसकी ये इसकी गन है, ये नाइफ भी एक बड़े वाला लटकाया हुआ है साथ में। लाइक जैसे आजकल भी ऐसे ही होता है जो आर्मी की यूनिफॉर्म होती है स्पेसिफिक वही है। और काफ़ी पीसफुल और काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए भी और वैसे भी। तो मैं भी इसके साथ आने की कोशिश करता हूँ। तो अभी थोड़ी देर के बाद आज लास्ट रोज़ा है, उसकी अफ्तारी करनी है। इधर किसी रेस्टोरेंट पे अभी जाएंगे पैरामेटा में तो वहाँ पे जाके अफ्तार करते हैं, देखते हैं। और इसके बाद मुझे यह वीडियो एडिट करनी है, आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और इसी तरह मैं आपको मज़ीद जो है सिडनी के अंदर जो खूबसूरत लोकेशंस होंगी वो आपको दिखाता रहूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह कैसे व्लॉग्स आते रहें तो फिर आपको वीडियो को लाइक भी करना है और साथ में शेयर भी ज़रूर करना है। तो उतनी देर तक बाय। मे भी आके जाके जब खाना खाएंगे तो भी कुछ उसकी मैं अपलोड कर दूँ मे भी ऐसे। ओके बाय। ये नीचे जो है ये पैरामेटा रिवर है, पैरामेटा रिवर दिखाते हैं आपको। ये देखें
जब कभी बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ये फ्लड कर जाता है एरिया, ठीक है। और ये देखें ये हाई राइज बिल्डिंग जो है पैरामेटा के अंदर, कुछ बन रही हैं, कुछ बन चुकी हैं। वेरी नाइस प्लेस, पानी तो साफ नहीं है, वही जैसे देख लेते हैं। आगे आगे अभी लाइट्स से ऑन हो रही हैं, विल बी वेरी गुड। ईट स्ट्रीट, हम वहाँ पे जा रहे हैं अभी। ईट स्ट्रीट क्या लिखा हुआ है? अनकवर। ईट स्ट्रीट अनकवर, वहाँ जाएंगे अभी। ये है जी पैरामेटा में ईट स्ट्रीट अनकवर। ये जो ईट स्ट्रीट थी उन्होंने ये अभी यहाँ पे जो चीज़ें बनाई हैं या की हैं, और इट्स कमिंग वेरी गुड। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके साथ वीडियोस टेस्ट भी लूँ। या दैट्स द थिंग, इट्स गोइंग वेरी गुड। यहाँ पर केवल बने हुए तो फूल बैठ के खाएंगे। ये प्ले, बच्चे के लिए प्ले एरिया बना हुआ है। मैं भी इसके अंदर से जा रहा हूँ। वेरी गुड, ये ट्रक बनाया हुआ है। ये भी लगे हुए हैं फूल।